नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस राजस्थान। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 अगले दो महीने के भीतर होने वाले हैं। ऐसे में राज्य का सियासी माहौल बेहद ही गर्म है। हर पार्टी, सभी छोटे बड़े नेता राजस्थान की जनता को लुभाने के लिए रैलियां और जन संबोधन कर रहे हैं। हाल ही में राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट सीकर पहुंचे और श्री माधेपुर किसान सम्मेलन को संबोधित भी किया। अजीतगढ़ में किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि जो पिछले 30 साल में नहीं हुआ वो अगले दो महीने में होने वाला है। वहीं सचिन पायलट ने ये भी कहा है कि अगर हमको दोबारा सरकार बनानी है तो सबको बड़ा दिल रखकर काम करने की जरूरत है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या फिर देश प्रदेश का कोई बड़ा नेता हो। हम सबको साथ लेकर चलेंगे तभी कांग्रेस का परिवार संपन्न होगा और हमारी सरकार दोबारा बनेगी। सरकार अगर दोबारा हम लोगों को बनानी है तो हम सबको बड़ा दिल रखकर काम करने की जरूरत है, सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो या देश प्रदेश का कोई बड़ा नेता हो। हम सबको साथ लेकर चलेंगे तभी कांग्रेस का परिवार संपन्न होगा और दोबारा सरकार बनेगी। जब तक राजस्थान में सरकार दोबारा हम लोग नहीं बनाते तब तक 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाएंगे। दो बार चुनाव हुए राजस्थान में, हमें कामयाबी नहीं मिली, लेकिन अभी हिमाचल प्रदेश में और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। आज हमारे अध्यक्ष खड़गे जी हैं, राहुल जी हमारे नेता हैं, उन दोनों ने मिलकर प्रियंका जी ने, सोनिया जी ने, पूरे देश में वो रैलियां कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, तेलंगाना हो, राजस्थान हो। हाल ही में राहुल गांधी जी आए थे, प्रियंका जी आई थी, उनका क्या संदेश था? उनका संदेश था एकजुटता से हम चुनाव लड़ेंगे तो इतिहास बदलेंगे। जो 30 साल में नहीं हो सका वो राजस्थान में इस बार होगा, दो महीने बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। आप लोगों के आशीर्वाद से। कांग्रेस नेता ने आगे ये भी कहा है कि जब तक राजस्थान में सरकार हम लोग दोबारा नहीं बनाते हैं तब तक 2024 के लोकसभा चुनाव में हम बीजेपी को चुनौती नहीं दे सकते हैं। वहीं राजस्थान में दो बार चुनाव हुए लेकिन कामयाबी नहीं मिली, लेकिन हाल ही में हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में हमने बीजेपी को पछाड़ कर सरकार बनाई है। आज हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी हमारे नेता हैं, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सब मिलकर देश भर में रैलियां कर रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो या फिर छत्तीसगढ़ हो या फिर तेलंगाना और राजस्थान। हाल ही में राहुल गांधी आए थे, प्रियंका गांधी आई थी, उनका क्या संदेश था? उन्होंने ये संदेश दिया था कि एकजुटता से चुनाव लड़ेंगे तो इतिहास बदलेंगे, जो 30 साल में नहीं हो सका वो अगले दो महीने में राजस्थान में होगा। आप लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। कैसी लगी आपको ये वीडियो का हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार।